देखिए एक और लाइन हमने येलो कलर का बनाया है 26 डबल क्रोशेट का। इसके बाद हमने ये तीन चेन्स ली है, टर्न किया है और आगे के पांच डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद हमें एक दो तीन चार पाँच और छः छः डबल क्रोशेट बनाने हैं येलो कलर के। इसके बाद हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के छह डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चार, पांच और छह। आगे से सारे डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन्स लेनी है और आगे के पांच डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंटिन्यू होगा। आगे हमें सेम पैटर्न में चार लाइंस बनानी है। देखिए एक दो तीन और चार, चार लाइंस हमने सेम बनाई। इसके बाद हमने 26 डबल क्रोशेट की एक लाइन बनाई, आगे हमने ये तीन चेन्स ली, टर्न किया और आगे के पाँच डबल क्रोशेट कम्प्लीट किए हैं। अब हमें आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर से बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के 12 डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। आगे के सारे डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन्स देनी है, टर्न करना है और आगे के पांच डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट बना के मैं आ गई। आगे के तीन डबल क्रोशेट हमें रेड कलर के बनाने हैं, एक दो और तीन। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के तीन डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के आठ डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ। आठ डबल क्रोशेट हमने रेड कलर का बना लिए। इसके बाद हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के सारे डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन्स लेके टर्न करके पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए मैं आ गई यहाँ पे। अब हमें रेड कलर से दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। दो डबल क्रोशेट हमने रेड कलर के बना लिए। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के चार डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें फिर से रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और ये दो। फिर से हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे का एक ही डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाना है,
फिर से हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है। आगे के तीन डबल क्रोशेट रेड कलर से बनाने हैं, एक दो और तीन। अब हमें फिर से येलो कलर का धागा आगे लेना है। आगे के दो डबल क्रोशेट हम येलो कलर से बनाएंगे, एक और ये दो। आगे सेम सारे डबल क्रोशेट येलो कलर से बनाने हैं। तीन चेन लेके टर्न करके आगे पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए मैं पांच डबल क्रोशेट और तीन चेन बना के आ गए। अब हमें एक दो तीन चार और पांच, पांच डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं। रेड कलर का धागा आगे लेना है। आगे के तीन डबल क्रोशेट रेड कलर से बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें फिर से येलो कलर का धागा आगे लेना है। आगे के एक दो तीन और चार, चार डबल क्रोशेट हमने येलो कलर के बना लिए। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है। आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और दो। आगे सेम सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। तीन चेन लेके टर्न करके पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए मैं आ गई। अब हमें आगे के 14 डबल क्रोशेट रेड कलर से बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये 14, 14 डबल क्रोशेट रेड कलर के बनाने हैं। आगे के सारे येलो डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर तीन चेन लेके टर्न करके पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए मैं आ गई। अब हमें आगे के सारे डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं। टोटल 12 डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं। दो हो गए, ये तीसरा, चौथा, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। 12 डबल क्रोशेट हमने येलो कलर के बना लिए। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है। आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और दो। इसके आगे हमें ये सारे डबल क्रोशेट येलो कलर से बनाने हैं। उसके बाद हमें स लेटर बनाना है। स लेटर के लिए आप मेरी जो श्री स्वामी समर्थ की तोरण पट्टी है वो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ये स लेटर कैसे बनाना है वो बताया है। इसके बाद हमें येलो कलर का एक लाइन बनाना है। आगे के ये तीन चेन और पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। इसके बाद हमें एक डबल क्रोशेट येलो कलर से बनाना है। रेड कलर का धागा आगे लेना है। आगे के छह डबल क्रोशेट हमें रेड कलर के बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांच और छह। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है। आगे के पांच डबल क्रोशेट हम येलो कलर से बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच।
अब हमें फिर से रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और दो। आगे से छह डबल क्रोशेट बनाने हैं, तीन चेन लेके आगे के पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए मैं आगे, अब हमें आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर से बनाने हैं, एक और दो। येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के पांच डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चार और ये पांच। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और दो। फिर से येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, एक और दो। फिर से हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और दो। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट हम येलो कलर से बनाएंगे। इसके बाद आगे के छह डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाने हैं, तीन चेन लेना है, टर्न करके पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए मैं आगे, तीन चेन और पांच डबल क्रोशेट बना के अब हमें एक डबल क्रोशेट येलो कलर का बनाना है, रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के छह डबल क्रोशेट हम रेड कलर से बनाएंगे, ये पहला, ये दूसरा, तीन, चार, पांच और छह। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के पांच डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर के बनाने हैं, एक और दो। आगे से छह डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन लेनी है, टर्न करके आगे के पांच डबल क्रोशेट बना के आना है यहाँ तक। देखिए मैं आगे, तीन चेन और पांच डबल क्रोशेट बना के अब हमें आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर के बनाने हैं, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के पांच डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर के बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के पांच डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। आगे हमें छह डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन लेने हैं, पांच डबल क्रोशेट बना के आना है टर्न करके। देखिए टर्न करके मैं आगे, आगे के पांच डबल क्रोशेट बना के तीन चेन और पांच डबल क्रोशेट बना के आ गए। अब हमें येलो कलर के पांच डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है,
आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के पांच डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, एक दो तीन चार और पांच। अब रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर के बनाने हैं, एक हो गया और ये दूसरा। आगे के सारे डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन लेना है, टर्न करके पांच डबल क्रोशेट बना के आना है ऊपर में आगे। अब हमें दो डबल क्रोशेट रेड कलर के बनाने हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के चार डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, एक दो तीन और चार। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के छह डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच और छह। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हम येलो कलर से बनाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। आगे से छह डबल क्रोशेट बनाने हैं, तीन चेन लेके टर्न करके आगे के पांच डबल क्रोशेट बना के आना है, देखिए मैं आगे। अब हमें ये पहला ये दूसरा दो डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं, रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर से बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट येलो कलर से बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर से होंगे, एक और ये दो। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के चार डबल क्रोशेट येलो कलर के होंगे, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट रेड कलर के बनाने हैं, एक और ये दो। अब हमें आगे के सारे डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन लेना है, टर्न करके पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। अब हमें रेड कलर से आगे के दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के चार डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, एक दो तीन और चार। अब रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के छह डबल क्रोशेट रेड कलर से होंगे, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चार पांच और छह। छह डबल क्रोशेट हमने रेड कलर के बना लिए। अब हमें फिर से येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा।
आगे से पहले डबल क्रोशेट हमें बनाने हैं, तीन चेन लेके टर्न करके आगे के पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए आगे, अब हमें एक दो तीन चार पांच और छः, छः डबल क्रोशेट येलो कलर के बनाने हैं। रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे की दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा, फिर से येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे की चार डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार डबल क्रोशेट हमने येलो कलर के बना लिए। अब रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और ये दो। आगे से सारे डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, आगे ये छह डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन्स लेनी है, टर्न करके आगे के पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। देखिए मैं आ गई, अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं। अब हमें येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के चार डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाने हैं, एक दो तीन और ये चार। अब हमें रेड कलर का धागा आगे लेना है, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक और ये दो। अब फिर से येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के छह डबल क्रोशेट हमें येलो कलर से बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चार पांच और ये छह। आगे के सारे डबल क्रोशेट येलो कलर के होंगे, तीन चेन लेना है, टर्न करके आगे के पांच डबल क्रोशेट बना के यहाँ तक आना है। देखिए आगे, अब हमें रेड कलर से सारे डबल क्रोशेट बनाने हैं, चौदह डबल क्रोशेट। पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और ये चौथा। चौदह डबल क्रोशेट हमने रेड कलर के बना लिए, आगे के छह डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, तीन चेन लेके टर्न करके पांच डबल क्रोशेट बना के आना है। लेकिन यहाँ पे अब हमें ये पहला और ये दूसरा, दो डबल क्रोशेट हमने रेड कलर के बना लिए, येलो कलर का धागा आगे लेना है, आगे के बारह डबल क्रोशेट हमें येलो कलर के बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। बारह डबल क्रोशेट हमने येलो कलर के बना लिए, आगे सेम उसके बाद दो लाइन हमने येलो कलर की बनाए, फिर एक रेड कलर की, फिर येलो कलर की, एक रेड कलर की,
फिर दो लाइंस हमने येलो कलर की बना ली, उसके बाद हमने ये स्वास्तिक बना लिया है, इसके बाद हमने दो लाइंस येलो कलर की, फिर ये एक लाइन रेड कलर का बनाया, फिर येलो कलर का, फिर रेड कलर का। इसके आगे हमने ये एक दो तीन चार और पाँच, पाँच लाइंस येलो कलर की कंप्लीट की हैं। इस तरह से हमने ये तोरण पट्टी कंप्लीट किया है। ये जो कंप्लीट तोरण पट्टी है ये देखिए, मेजर करने के बाद हमारी ये तोरण पट्टी 39 इंचेस की हो जाएंगी। इसके बाद हमें एक लाइन रेड कलर का होगा स्टार्टिंग में और एंड में, इस तरह से ये आधा इंच और बढ़ जाएंगी, 39.5 इंचेस की हो जाएंगी। अगर आप रेड कलर की लाइन नहीं बना रहे हैं तो ये 39 इंचेस की है, और जो स्टार्टिंग में एक रेड कलर का और एंड में बनाएंगे तो ये 39.5 इंचेस की हो जाएगी। इस तरह से ये जो टोटल लाइंस हैं ये हमारी 129 लाइंस हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 39 इंचेस की है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।